मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगे। मित्रों, वर्ष 2023 में आश्विन अमावस्या व्रत कब है, जानिए दिन व तारीख क्या है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि क्या है और अमावस्या तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितृ विसर्जनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होता है और पितृ लोक से आए हुए पितृजन अपने लोक लौट जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण भोजन तथा दान आदि करने से पितृजन तृप्त होते हैं और जाते समय अपने पुत्र पौत्रों और परिवार को आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसलिए इस दिन पितरों के लिए पूजन का बड़ा महत्व है। इस अमावस्या के दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद पितरों के लिए तर्पण करें और संध्या के समय दीपक जलाएं और पूरी व अन्य मिष्ठान दरवाजे पर रखें ताकि पितृगण भूखे न जाएं और दीपक की रोशनी में पितरों को जाने का रास्ता दिखाएं। यदि किसी वजह के कारण आपको अपने पितरों के श्राद्ध की तिथि याद न हो तो इस दिन उनका श्राद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आप पूरे श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण नहीं कर पाए हैं तो इस दिन पितरों का तर्पण कर सकते हैं। इस दिन भोले भटके पितरों के नाम से किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने धाम को जाते हैं और आश्विन अमावस्या की समाप्ति के अगले दिन से ही शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि माता दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करने वाले इस अमावस्या की रात्रि को तंत्र साधना करते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि वर्ष 2023 के अक्टूबर महीने में पड़ने वाली आश्विन अमावस्या 14 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ रही है और अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर 2023 को रात 9:53 पर और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 14 अक्टूबर 2023 को रात 11:27 पर।